जय जिनेंद्र। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है वीरशासन जयंती एवं वीरशासन जयंती क्यों मनाई जाती है। हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलपुर नगरी में, और भगवान महावीर एक तीर्थंकर थे तो उनके चार कल्याणक हो चुके थे, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक। जैसे ही भगवान के ज्ञान कल्याणक का समय आया तो कुबेर ने सौधर्म इंद्र की परमिशन से मार्वलस गोल्डन सम ऑफ शरण की रचना की। सभी देव देविका मुनि आर्यिका तिर्यंच सभी ज्ञान कल्याणक महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे थे और जल्द ही भगवान के मंगल उपदेश सुनने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये क्या, भगवान को केवल ज्ञान हुए 66 दिन हो गए लेकिन भगवान तो अभी भी मौन थे, कुछ भी उपदेश नहीं दे रहे थे। He was silent after attaining supreme knowledge, मतलब केवल अज्ञान। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र ने अवधि ज्ञान से पता किया कि दिव्य ध्वनि भगवान की इसीलिए नहीं खिर रही क्योंकि वहां वे कोई कैपेबल गंधर्व ही नहीं है। आपको पता है गंधर्व कौन होते हैं? जैसे कोई बहुत कठिन विषय की बुक होती है जो हमारे टीचर्स हमें अच्छे से सिखाते हैं, वैसे गंधर्व महाराज तीर्थंकर भगवान की वाणी को हमें अच्छे से समझाते हैं। गंधर्व मुनि महाराज तीर्थंकर भगवान की वाणी को 12 पार्ट्स में डिवाइड, जिसे द्वादशांग कहते हैं। द्वादश मीन्स 12, अंग मीन्स पार्ट्स। तो सौधर्म इंद्र ने जाना कि एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन है जिनका नाम है इंद्रभूति गौतम, जो कि भगवान के गंधर्व बनने के कैपेबल है। इंद्रभूति गौतम तो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनको अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। वो किसी को भी अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं थे। He was very arrogant about his knowledge, इसीलिए उनको भगवान महावीर के समक्ष शरण में लाना असंभव था। तब इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाया और इंद्रभूति गौतम के पास चले गए एक श्लोक लेकर। उन्होंने इंद्रभूति से उस श्लोक का अर्थ पूछा लेकिन इंद्रभूति गौतम भी उस श्लोक का अर्थ नहीं बता पाए और वह सोच में पड़ गए, इस ब्राह्मण के गुरु कौन है, इनके पास यह श्लोक कहाँ से आया जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता। तो सौधर्म इंद्र गौतम स्वामी को समक्ष शरण में ले गए। इंद्रभूति गौतम जो कि इतने घमंडी थे, जैसे ही वो समव शरण में पहुंचे तो वहां के इतने सुंदर विशाल मानस्तंभ को देखकर उनका सारा मान सारा अहंकार सब खत्म हो गया। समव शरण में जाकर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से आत्मा के बारे में, जीव के बारे में पूछा और तब खीरी भगवान महावीर की वाणी दिव्य ध्वनि, जिसे सुनने से इंद्रभूति गौतम की सारी शंकाएं दूर हो गई और उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और मुनि बन गए। जिस दिन गौतम स्वामी समव शरण में पहुंचे उसी दिन से भगवान का उपदेश शुरू हुआ और उसी को हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं।